राजधानी भोपाल से खबर है। सदन की कार्रवाई में घर बैठकर हिस्सा ले सकेंगे विधायक। एमपी विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं विधानसभा सत्र को लेकर। कार्रवाई में दोनों तरह से विधायक हिस्सा ले सकेंगे। पिछले सत्र में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक जुड़े थे। 27 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक होनी है जिसमें पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। तो सदन की कार्रवाई में अब विधायक घर बैठकर हिस्सा ले सकेंगे। एमपी विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। कार्रवाई में दोनों तरह से हिस्सा ले सकेंगे विधायक। एक तो सदन में मौजूद रहकर, दूसरा घर बैठकर भी विधायक सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे। पिछले सत्र में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक जुड़े थे और 27 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक होनी है जिसमें पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा से। जुगल, ये जो फैसला लिया है कि घर बैठकर ही जो विधायक हैं सत्र की कार्रवाई में हिस्सा ले सकेंगे, उसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से 28 तारीख को 28 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होना है और सत्र के दौरान स्वाभाविक रूप से जब कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में वो सावधानियां बरती जाएंगी जो पिछले सत्र के दौरान बरती गई थी, यानी एक्चुअल और वर्चुअल दोनों तरीके से सत्र होगा। हालांकि अभी सब कुछ सर्वदलीय बैठक जो होना है उसमें तय होगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वर्चुअली भी विधायक सत्र की कार्रवाई से जुड़ सकते हैं। पिछली बार जिस तरीके से जिला मुख्यालय पर व्यवस्था की गई थी कि जिला मुख्यालय से विधायक विधानसभा की कार्रवाई में जुड़े थे, उसी तरीके से इस बार मोबाइल के जरिए भी विधायक विधानसभा की कार्रवाई में जुड़ सकते हैं। हालांकि अभी सर्वदलीय बैठक में फैसला होना बाकी है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में ही तमाम विषय तय होते हैं। अगर हम विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की बात करें तो भी सर्वदलीय बैठक में ये तय होगा और उसी बैठक में तय होगा कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है। ठीक है जुगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो कोविड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। तमाम गाइडलाइन का हालांकि पालन होगा, लेकिन एक फैसला लिया गया है ताकि संक्रमण का खतरा कम रहे। सदन की कार्रवाई में जो विधायक हैं वो घर बैठकर हिस्सा ले सकेंगे। एमपी विधानसभा सचिवालय ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 28 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और उसके लिए तैयारियां अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। कार्रवाई में दोनों तरह से हिस्सा ले सकेंगे विधायक। एक तो सदन में मौजूद रहकर, अगर कोई सदन नहीं आ सकता है तो वो घर बैठकर भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अपने मोबाइल के जरिए।